नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विदिशा से शिवराज, भोपाल से आलोक सबसे आगे। आज सीईसी की मंजूरी के बाद घोषित हो सकती है बीजेपी लोकसभा कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर दावेदारों का पैनल बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में तैयार कर लिया गया है। कुछ सीटों पर सिंगल नाम भी है। विदिशा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भोपाल सीट से पूर्व महापौर आलोक शर्मा का नाम सबसे आगे है। ग्वालियर सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा जा सकता है। यदि किसी एक सीट से महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण को टिकट देना तय किया जाता है तो ग्वालियर से यशवंत इंदिरा पोकर को उतारा जाएगा। ऐसे में सिंधिया को उनकी परंपरागत सीट गुना शिवपुरी से मैदान में उतारे जाने का भी विकल्प है। इसी तरह इंदौर से वर्तमान सांसद शंकर लालवानी को भी रिपीट किए जाने पर सहमति बन गई है। हालांकि अधिकतर सीटों पर नए चेहरे ही मैदान में उतारे जाएंगे। आज शाम होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में जिन नामों पर सहमति बन गई है उनका टिकट केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की हरी झंडी के बाद घोषित कर दिया जाएगा। ये बैठक आज 29 फरवरी को दिल्ली में प्रस्तावित है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। भाजपा सूत्रों के मुताबिक दिल्ली मुख्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश समेत प्रदेश के नेताओं से विचार विमर्श किया। बैठक में डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री अजय जामवाल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, नगरीय विकास व आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद थे। सीसी की बैठक में पहले चरण में घोषित होने वाले प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। इसके बाद देश भर में 100 से 105 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना तय है। इसमें मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सहित करीब 8 सीटें शामिल हो सकती हैं। एमपी की लोकसभा सीटों को दो हिस्सों में बांटा। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को दो हिस्सों में बांटा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।